जी किवें हो सारे। तो मैं थोड़ा सोनिया वर्मा व्लॉग्स चैनल दे विच सब दा स्वागत करदी हां। वेलकम बैक टू माई चैनल। अज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, अज आप करांगे सूट की स्टिचिंग सिंपल। जिहड़ा कढ़ाई वाला गला हुंदा उहनूं आपां किस तरह रेडी करते हैं, प्लेट्स वगैरह पूरी फिटिंग मतलब पूरी आपां स्टिच करके तुहानूं दिखावांगे सिंपल शर्ट विदाउट लाइनिंग वाली। चलो जी मैं तुहानूं दिखाउंदी हां, टाइम आपां ज़्यादा नहीं आपां वेस्ट करदे। लो जी आपां नैक तैयार करांगे। पहला कढ़ाई वाला नैक है, पेस्टिंग लगा ली फैब्रिक के उपर, तो आप जिन्ना भी रखना उन्ना मार्क करके कच्ची सिलाई लगा लेंगे सेंटर के बच्चे। फिर आले दुआले सारी एक पैर की सिलाई लगावे तो इनू पलट देंगे। मैं रखूँगी ये 6.5 बाय 6.5 सेंटर के बच्चे भी अपना निशान लगा लेना। उल्टी साइड जिधर कटाई है उधरों आप लगावे फैब्रिक के नाल फैब्रिक पेस्टिंग और उल्टा, ये इस गल का ध्यान रखा। लो जी सेंटर के सिलाई लगा ली, तो हुण आपां राउंड दे शेप दे विच लगा लांगे। लो जी सिलाई लग चुकी है, तो हुण आपां कटिंग करांगे। फिनिशिंग दे नाल तुसीं लगानी है ये, हाँ देखो जी। तो हुण आपां इहनूं कट कर लेना, एक पैर दा मार्जिन रखांगे आपां विच। सिलाई नहीं अपनी कोई कटनी चाहिए, इस गल दा ध्यान रखियो तुसीं, ठीक है जी। तो जिहड़ा एक्सट्रा फैब्रिक है पेस्टिंग वाला, वह भी आप 1.5 इंच का रख के कटिंग कर लेंगे, तो दब के सिलाई लगा लेंगे, तो नाल फिनिशिंग देवे इनू। लो जी इनू आप गुलाई दे विच ही कटिंग कर लेंगे, चक के कटिंग करना है, कपड़ा नहीं कटना चाहिए, नहीं तो अपना जिहड़ा सारा शर्ट है वह खराब हो जूगी, इस गल का ध्यान रखियो। तो इनू भी आप एक बार फोल्ड कर लेना, कच्ची सिलाई लगावे, उस तो बाद तुरपाई कर लेना, फिनिशिंग देवे। तो उस तो बाद आप देखते हैं बाकी दसते हैं तुम अगे। लो जी कटिंग हो चुकी है, ये आप छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे राउंड दे विच, ना कि अपना ईजीली जिहड़ा फोल्ड हो जाए। तो हुण आप दब के सिलाई लगावे इनू, ध्यान नाल लगानी है, झोल नहीं आना चाहिए। लो जी सिलाई लग चुकी है अपनी, तो हुण आपां जिहड़ी आह 1.5 इंच छड्डी सीगी पट्टी उहनूं भी फोल्ड कर लेना, तां कि तुरपाई दे विच दिक्कत ना आवे कोई। वेखो इस तरह तुसीं भी राउंड दे विच इहनूं शेप दिंदे होए कच्ची सिलाई लगा लिओ। अगर तुसीं एक्सपर्ट हो तां तुसीं इहनूं कच्ची सिलाई लगा लिओ, ता कि तुरपाई दे विच कोई दिक्कत ना आवे। हाँ देखो इस तरह इहनूं फोल्ड कर लेना आपां, कच्ची सिलाई लगावांगे। लो जी आपां हुण पावांगे प्लेटां। प्लेटां दा ध्यान रखना कि उपरों जिथों आपां पानी है ना उत्थों कपड़ा ज़्यादा चकना, तो नीचे जब नोक ते आना उत्थों आपां बिल्कुल पॉइंट ते आके ही सिलाई खत्म कर देनी है। इस गल दा तुसीं जरूर ध्यान रखियो, इस तरह प्लेटां दी फिटिंग बहुत वधिया आती है। थोड़ा डार्क कर लैंदे हां तां कि तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए। एक साइड दे मैं तुहानूं पा के दिखा दूंगी, बाकी तुसीं देख के उसी तरह पानी आ। आ देखो जी सब तो पहला आप उपर वाली मोढ़े वाली प्लेट पावांगे, देख नोक ते आके बिल्कुल ख़त्म कर देनी है सिलाई। तो जिहड़ी विच वाली लंबी प्लेट है वह भी उपरों शुरू करनी है, सेंटर तो ज़्यादा ले लेना, एक्सट्रा कपड़ा लगा लूँगे इसी तरह दूसरियाँ। लो जी इहनूं भी आपां कच्चा कर लैणे आ नैक नूं, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰੇ ਬੈਕ ਨਾਲ ਫਰੰਟ, ਤੀਰੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੀਰੇ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰੇ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
एक साइड का तुम देख लो, दूसरी का भी उसी तरह जोड़ना। लो जी आ देखो तीरे अपने अटैच हो चुके हैं। तो हम आप बैन लगावे, ये आप अपने हेड की पहला राउंड देख लेना किन्ने तक अपना राउंड एरिया है हेड का, उन्होंने तुम इंची टेप के नाप लियो, फिर तुम देख लियो ये सारा राउंड मैच कर रहा मेरे जी 23 इंच के आप देख लें। तो स्टार्ट करा बिल्कुल ढिला ढिला तुम ले लेना। हाँ देखो जी पूरा 23 इंच आ रहा अपना। तो तुम हम आप सॉरी हम आप बैन लगावे यदि इतों आप सेंटर कढ़ लेना है 10 या 12 इंच की बैन लगती है जी हाफ लगाते आप फुल नहीं बनानी हैगी 12 इंच की आप लगा लेनी है। ठीक है जी इन्हें थोड़ी जी शेप दे देंगे आप। हल्की जी देनी है जान देनी है जी 1/2 इंच की। ठीक है जी जिहड़ा अपना जिहड़ा वैन है ना वो नाल नहीं चिपकेगा अपने नैक दे। हल्को जी हुण आपां लगाने इहदा वैन, मैं पेस्टिंग कर लैनी है 10 या 11 इंच की पट्टी लै लैनी आपां। लो जी आ मैं एक वैन वास्ते पट्टी ले ली है बुकरम की पेस्टिंग वाली है, ये तुम दिखा दी मैं देखो जी 11 इंच हैगी लंबाई, तो 1 इंच आप चौड़ी ले लेनी है। ठीक है जी इतों आप एक कोर्नर तो यदि दे देंगे राउंड शेप, तो आप डबल फैब्रिक के उपर चिपकावे जिस तरह देखो फैब्रिक है ना इन आप डबल करके ले लेना। लो जी ये आप एक पेस्टिंग वाली जी बुकरम आप डबल फैब्रिक के उपर अटैच कर ली है, तो हम आप साइड से सिलाई लगावे बुकरम के उपर सिलाई नहीं लगानी हैगी सिर्फ साइड साइड से आप सिलाई लगानी है इतों स्टार्ट करके। तो आप इतने कट लगाएंगे छोटे छोटे सिलाई नहीं अपनी कटनी चाहिए तीरे नाल तीरा मिला के उपर दी मुड्ढे वाली सिलाई आप पिछे सेंटर का कट लगावे। ठीक है जी सेंटर तो ही आप स्टार्ट करांगे लगाना। इसी 1/2 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। लो जी इसी तरह आप दब के लगा लेनी है ये आ देखो इस तरह। ठीक है जी जिहड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये भी आप इतने सेंटर को चक के सारे घुमा देनी है बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है फिनिशिंग वाली। कोई झोल वगैरह आना नहीं चाहिए थोड़ा जी। देखो कितना वधिया अपना राउंड नैक गल वी शेप नैक अपना रेडी हो गया। आ देखो जी कितनी सफाई दे नाल फिनिशिंग दे नाल अपनी पट्टी लगी है। तो हुण आपां लगावांगे फिटिंग दे निशान सॉरी सिलाई। एक मैं तुहानूं करके दिखा दूंगी दूसरी तुसीं अपने आप लगानी है। ठीक है जी
तरह तुम दूसरी लगानी है पक्का कर लिया जिहड़ा प्लेटां वाला निशान लगाते हैं ना जो सिंपल कमीज है तो वो पूरी प्रोपर बीटिंग ले जाते हैं जो प्लेटां वाला वो आप एक्सट्रा एक इंच का मार्जन रखना हूँ इस गल का तुम जरूर ध्यान रखिए। इसी तरह आप दूसरी फिटिंग की निशान लगावे सिलाई लगावे फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ यदि लुक लो जी फिटिंग की सिलाई अपनी लग चुकी है दोनों साइड की देखो ठीक है जी मैं सीधा करके दिखाने थानू लो जी देखो ठीक है तो हम आप स्लीव्स अटैच करा बहुत ही वधिया फिटिंग आती है इस तरह कट करके रख लिया अपन करेंगे फोल्ड पहला कच्ची सिलाई लगा देंगे फिर तरपाई हो जूगी इन दूसरी दी कर लेंगे चलिए पहले आप सारी रेडी करके दिखा दें मेरी है 4.5 इंच रेडी फिटिंग नीचे तो उपरों तुम उन्नी लेने जिन्ना थोड़ा शर्ट का आर्म होल है उस तो अद्धा इंच तुम कट लेनी है ठीक है जी लो जी मेरा आर्म होल है 8.5 तो इस तरह आप रखा देखो 8 रखना इतों 4.5 ठीक है जी इन आप मिला देना निशान लगावे सिलाई पक्का कर लेना जी इसी तरह आप दूसरी बाजू रेडी करनी है इस तरह ही करिए फिर आप अटैच करा लो जी दोनों स्लीव्स अपनी अटैच हाँ देखो फिटिंग की सिलाई लगा ली आप हूँ आप सीधी कर लेनी है कमीज का उल्टा हिस्सा तो बाद सीधी करके आप अटैच करा तो नाले तुम दिखावे फाइनल लुक लो जी आप हूँ यहाँ कच्चा करा बाजू मैं लगा ली है बाजू लगानी बहुत ईजी है तुम काट ना डूंगी काट मिलानी है तो फिर तुम इस तरह राउंड सिलाई लगा लेनी है ठीक है झोल नहीं पैना चाहिए जो 9 इंच थोड़ा शर्ट का आर्म होल है तो यह 8.5 होना चाहिए इस तरह तुम्हें सिलाई लगा लेनी उस तो बाद मैं तुम्हें पहले दस चुकी हाँ ठीक है तो फिर आप जिनी लेंथ रेडी रखनी है उन्ना आपू रख के इतने कच्ची सिलाई लगा लेनी है तो तुरपाई कर लेंगे फिर उस तो बाद जोड़ा घेरा है घेरा जिस तरह तुम हिप थोड़ी भी रेडी है तो इतने भी तुम्हें इनू डबल फोल्ड कर लेना इस तरह करके देखो जी इस तरह डबल फोल्ड कर लिया देखो जी अपनी भी आ रही है रेडी इस तरह तुम 20 इंच से लगा के कच्ची सिलाइया लगा लेनी है सारे 4 चफेरे तो घेरे और चाकों के उपर मैं तुम्हें लगा के दिखाई है ये देखो पूरी शर्ट अपनी बन के रेडी है देखो जी गले के उपर हजे यदि तुरपाई बाकी है ये आप कच्चा कर लिया सारे पास साइड के उपर कपड़े का कलर थोड़ा डार्क है इसलिए क्लीयर नहीं दिख रहा है मैं तुहानू पूरी इहदी लुक तैयार करके दिखाऊंगी ठीक है जी इस तरह तुसी भी जरूर बनायो देखो फिटिंग इन्नी वधिया आती है ना इस तरह प्लेट्स पाण नाल तुसी पायो बहुत ही वधिया फिटिंग आती है हाँ देखो अपना पूरी शर्ट रेडी हो चुकी है बन के देखो किन्नी वधिया फिनिशिंग दे नाल अपनी शर्ट बनी है ये इहदी फाइनल लुक सिंपल कॉलर वाली शर्ट दी ते प्लेट्स पाईआं होईआं हाई नेक गला
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਗਲੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਵਰਮਾ ਵਲੌਗਸ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਸੋਨੀਆ ਵਰਮਾ ਵਲੌਗਸ। ਮਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।